जनपद गाजीपुर में दो तीन घटनाएं लूट की हुई हैं देहात क्षेत्र में, शादात में, दुल्लापुर क्षेत्र में घटनाएं हुई हैं रूरल आउटस्कर्ट से। इसमें मोटरसाइकिल सवार अभियुक्त थे जो लूट करके तमंचे की बट इत्यादि मार के लूट करके भाग गए थे। इसमें एक पशु व्यापारी था, उससे कुछ पैसों की लूट हुई थी, और एक दुल्लापुर में एक मोबाइल और कुछ पैसों की लूट हुई थी। इसके अलावा एक मर्डर हमारे कोतवाली क्षेत्र में मुहर्रम वाले दिन हुआ था। उन सभी घटनाओं का आज पर्दाफाश हुआ है, और जो लूट का जो मोबाइल था दुल्लापुर वाली घटना में वो बरामद हुआ है। जो पशु व्यापारी से जो पैसे लूटे थे उसमें इन्होंने जो प्रतिवेदन की वो बरामद हुआ है, प्लस जो घटना में प्रयुक्त हथियार तमंचे थे वो हमने बरामद किए हैं, और जो मोटरसाइकिल जिससे इन्होंने घटना की थी वो भी बरामद किया है। व्यापारी का जो पैन कार्ड इत्यादि जो सामान था लगभग सब पुलिस ने ट्रेसआउट कर लिया है। इसमें दो लोगों की गिरफ्तारी की है और इनके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। वाराणसी जनपद में भी इन्होंने 45 लाख की लूट का प्रयास किया था, लूट की थी, मर्डर भी इससे पहले किया है इन्होंने, लूट के दौरान मर्डर किया है। गाजीपुर में, वाराणसी में, आजमगढ़ में कई लूट के घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है। इन दो लोगों की आज गिरफ्तारी हुई है। इनका एक तीसरा साथी जो सुनील यादव है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उस पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं। अंतर जनपदीय हैं, कई जनपदों में इन्होंने घटनाएं की। देखिए घटनाएं हुई हैं लेकिन इनके खुलासे भी हुए हैं, और 70% माल की बरामदगी भी पुलिस के द्वारा की गई है। इनकी कोशिश रहेगी कि इनके ऊपर गैंगस्टर और गुंडा की कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा हो। जो इस तरीके के अभियुक्त हैं उनको चिन्हित करके सीओ के द्वारा और उनकी गुंडा की कार्रवाई करके जिला बदर उन्हें किया जाए, ताकि जनपद में इस तरीके की घटनाओं पर विराम लगे।